गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। टुडे आई एम मेकिंग ऑनलाइन वीडियोज़ फॉर क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नेम इज डिवीज़न। और हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिवीज़न बाय टू डिजिट नंबर्स। ठीक है, दो डिजिट नंबर्स कैसे हम डिवाइड करते हैं उसके बारे में। बच्चों मैंने ए जो है मैंने आपको सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैंने ए आपको सॉल्व करके बता दिया था कि कैसे हम डिवाइड करते हैं और कैसे चेक करते हैं। ठीक है, और अब बारी है बी की, जिसमें आपको बताना है क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको दोनों लिख कर दिखाना है। ओके, इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सो चलिए लेट स्टार्टेड। बच्चों आप एक चीज़ जान लीजिए, ये डोर सीट का नंबर देख के आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मुझे 47 से डिवाइड करना है इस नंबर को, ठीक है, तो मतलब अब 47 में जब 47 तो हम लिखेंगे नहीं, आपको अगर ऐसे नहीं हो पाएगा तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 47 नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर वो 99 नहीं आता या फिर उसे नियरेस्ट नंबर आता है तो वैसे उसी तरह बस आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बना देना है, सिंपल। अब 47 का टेबल तो नहीं याद होता है सारे बच्चों, तो आप बस डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप इस डिवाइड को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं कैसे बनेगा। अब जैसे बच्चों 47 को अगर 1 से करेंगे तो 47 को 2 से अगर हम करेंगे, 47 टू जा कितना होता है, 47 टू जा होता है बच्चों 94। ठीक है, क्योंकि 99 के आसपास है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 9 में से 4 चला गया बच्चों, कितना होगा, 9 में से 4 चला गया तो हो गया आपको 5। उसके बाद हम फिर 6 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 47 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 56 आएगा, 56 तो आने से रहा तो नियरेस्ट हो जाएंगे खुद 47, तो 47 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 47। फिर हम यहाँ माइनस करेंगे, 6 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 6 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 9, और 5 में से 5 तो हम यहाँ 5 में से 1 इधर दे दिए तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया तो कितना हो गया 0। अब हम यहाँ पे क्या उतारेंगे, फिर 4 और 97 टू जा कितना होता है बच्चों, 47 टू जा होता है आपको 94, और ये हो गया आपका 0, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 212। ओके, एंड रिमाइंडर जो है वो हमारा 0। बस इसी तरह आपको ये क्वेश्चन बनाना है, और मैं फिर आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी जो है 8726 डिवाइडेड बाय 68। अब बच्चों 68 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 87 आएगा, तो 87 अगर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 87 नहीं आएगा, 68 वन जाओ 68। हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 7 में से 8 चला गया 9। ओके, उसके बाद फिर ये हो गया हमारा कितना 7, और 7 में से 6 गया तो बच्चों कितना हुआ 1। फिर यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे, तो 68 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 192 नहीं आएगा, तो हम 2 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 136। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, 12 में से 6 चला गया 6, 8 में से 3 चला गया कितना होगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5। तो यहाँ पे 6 से देखो और 6 हम उतार देंगे, अब है 566। ठीक है, 68 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 544, जो कि 5 से 6 का नियरेस्ट है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 चला गया 2, 6 में से 4 चला गया 2, ये हो गया आपको रिमाइंडर। तो यहाँ पे फिर सेम तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 128 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 22। बस आपको इसी तरह ये बनाना है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सी में आपको बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, और उसका
आंसर को वेरीफाई करना है। तो जस्ट लाइक ए बी जैसे मैंने आपको समझाया है, आपको सेम उसी तरह बनाना है और समझना है, ठीक है। मैंने सारे इन दोनों क्वेश्चंस का जो मैंने बताया है इसी बेसिस पे, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी रिमाइंडर क्वेश्चन निकालना है और उसके आंसर को वेरीफाई करना है, यानी कि चेक करना है, ठीक है। सो चिल्ड्रन प्लीज़ आप ए बी और सी को कॉपी में बनाइए, ठीक है, समझिए जिस तरह मैंने आपको समझाया, ठीक है। एक बार फिर से आप रिकैप देख लीजिए बी का। सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ डन योर होमवर्क एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।